हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल। 3 दिनों तक स्थिर रहने के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंगलवार 9 फरवरी को अधिक हो गई। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक ऑटो ईंधन की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले शुक्रवार को कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत वर्तमान में 87.30 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 77.48 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 93.83 है, जबकि डीजल 84.36 रुपए है। स्थानीय बिक्री कर या वेट के आधार पर ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं। वर्तमान में वे देश में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुदरा बिक्री कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आमतौर पर बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और विदेशी विनिमय दरों के अनुरूप दैनिक आधार पर संशोधित की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें मंगलवार को प्रमुख उत्पादकों द्वारा आपूर्ति कटौती और ईंधन मांग में सुधार के समर्थन ऊर्जा बाजारों में आशावाद के रूप में 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर अभी तक आपने नव समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो नव समाचार के फेसबुक पेज को अभी लाइक करें। धन्यवाद।